जो नहीं पचा पा रहे हैं वो अगर खुलकर सामने आए तो शायद ज्यादा प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। बोलिए बोलिए, बताइए, आइए, विशुद्धि चक्र अपना और ओपन कीजिए। सर मैं अपने आप के साथ नहीं जुड़ पा रहा हूँ। अच्छा, क्या हो रहा है, क्या होता है? मन भटकता रहता है। किन चीजों में भटकता है? कुछ भी, एनीथिंग, जैसे पर्टिकुलर कुछ भी नहीं है, कोई घर का द्वेष नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं वो तो बताएं किन चीजों में भटकता है। जिन चीजों में भटक रहा है उसका बीज हमने स्वयं ने कभी पहले कहीं बोया हुआ है, इस बात को समझना है। मन तब भटकता है जब हमारी कोई पार्टिकुलर तृष्णा है, डिजायर है, अनफुलफिल्ड इंटेंशन है। इस बात को हम समझेंगे ना तो फिर ज्यादा बेहतर हो पाएगा। ओके सर। तो थोड़ा सा और अपने आप को वो लाएं कि कहां पे मेरा मन भटक रहा है। जो जिस जिस वस्तु में या जिस व्यक्ति या जिस परिस्थिति के कारण भटक रहा है, उस परिस्थिति को आपने कब और कैसे चूज किया, कब और कैसे उससे अपने आप को इंटैंगल किया, जोड़ लिया और अब उससे अलग नहीं हो पा रहे? नहीं, जैसे कल मैंने कोई एक ने वो वीडियो देखा था, उसमें देखा था कि जिसे आपने डेथ के बारे में बताया था, वो भी मृत्यु सैया के बारे में बता रहा था। हाँ। कि हम जब सोने जाते हैं तो मैंने कि मृत्यु सैया पे मैंने जाते अपना एक सेकंड का पता नहीं चलता है। तो मैंने कि वो कल देखा तो मैंने रात को जब सोए तो मैंने वो थोड़ा सा उसी टाइप का माहौल मामूली से मैं चलता रहता है। या कोई आप कोई क्लिप देखा हो, टीवी सीरियल देखा हो तो रात को कभी एवरीडे नहीं होता है, कभी कभी मैंने कि वो चीज चलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ मैंने कि वो होता रहता है। तो यही तो बात है कि हम जो चीज देखते हैं, जो चीज पढ़ते हैं वो हमारे भीतर चलती है। इसलिए हम टीवी कितना देखें, क्या देखें, बहुत मैटर करता है। इवन व्हाट्सएप आया हुआ रैंडम वीडियो ही मत देखिए, जब तक कोई किसी का सोर्स क्लियर नहीं है कि हाँ इसमें कुछ अच्छा चीज हो सकता है। अपने जो आपको कुछ कुछ भेजते हैं उनको कोई वीडियो आए तो बोले इस वीडियो के बारे में एक लाइन पहले बताइए क्या है। मैंने ये जो आप बताते हैं ना उसी मैंने उसको का नहीं किसी का था, मैंने कि उसमें अपने डिवाइन में तो मैंने ये बता रहा था आप मैंने ना के सो के तो आपको अच्छी नींद आएगी, जो भी चीजें इसी yes, में yes, बता रहा था। यस यस, वाटर जो है ना वो थोड़ा डिसॉल्यूशन का कैपेसिटी रखता है, तो कुछ एनर्जी को वो डिसॉल्व कर देता है। इसलिए अगर बाहर से आए तो एक स्नान करके ही सोना चाहिए। थैंक यू सर। सर मेरे को एक प्रॉब्लम है, मेरे को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम भूल जाइए, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, क्या जानना है वो पूछिए। देयर इज नो प्रॉब्लम, ओनली लर्निंग। ओके सर। ये हेल्थ की बात है तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम कीजिएगा, टेक्स्ट कीजिएगा, टेक्स्ट में जवाब आ जाएगा। ओके चलिए हम अपने ध्यान और आत्मज्ञान की शुरुआत करते हैं। मोबाइल की तरफ देखना बंद कर दें और आंख बंद करके अपने तरफ देखने की हम शुरुआत करेंगे। में प्रवेश कर रहा हूं, आत्मज्ञान, आत्म आनंद पाने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए।
है भाई, ये आत्मा क्या है? ये आत्मा, कॉन्शियसनेस, चेतना सिर्फ हमारे लिए शब्द ना रहे, अनुभूति बने, अनुभव बने। मैं फील करना चाहती हूँ, फील करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस हु एम आई, व्हाट एम आई, व्हाई आई हैव टेकन बर्थ, इस शरीर में मैं क्यों जीवन जी रहा हूं? ये सवाल, ये क्वेश्चन अगर हम पकड़े रहें, भीतर सुनने में उतरते रहें, तो जवाब जरूर आता है। जवाब शब्दों में नहीं, अनुभूति में चाहिए, अनुभव में चाहिए। जहां तक शब्द है वहां तक मन है। मन के बियॉन्ड जाना है तभी हम अपने आप को जान सकते हैं अपने वास्तविक स्वरूप में। ध्यान के लिए आंखें बंद कर लें और अपने शरीर को भीतर से महसूस करें, सहज हो जाएं। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास पर ध्यान। हर श्वास पर बारीकी से ध्यान। Feel your each and every breath. ध्यान जब लग जाता है तो फिर हमें समय का भी पता नहीं चलता। धैर्य के साथ, होश और सजगता के साथ सांसों को महसूस करते जाएं।
फील योर ईच एंड एवरी ब्रेथ. सांसों पर लगातार ध्यान, अलर्ट रहें, कॉन्शियस रहें, मैं ध्यान में हूं.
हर एक श्वास को बारीकी से फील करते जाएं। Thank you.
सांसों से ध्यान कृपया ना हटाएं, पूरी बारीकी से फील करें अपने आप को। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? सांसों पर ध्यान का आखिरी लास्ट 7 सेकेंड महसूस करें अपनी स्पाइन, स्पाइन के भीतर स्पाइनल कॉर्ड, उस एरिया की एनर्जी, उस एरिया की संवेदना जितना फील कर पाए। अगर ना भी कुछ महसूस हो तो कोई बात नहीं, सांसों को महसूस करते रहें। आखिरी 5 सेकेंड चार तीन दो एक शून्य। धीरे धीरे अपने चेहरे को सहलाते हुए आहिस्ते आहिस्ते अपने आप को याद दिलाते हुए, हु एम आई, व्हाट एम आई, जो आपको फील हुआ मेडिटेशन में, वो नहीं जो आपने शब्दों में सुना है, जो आपने पढ़ा है, जो पढ़ा है सुना है वो मन के तल पे ही अभी चल रहा है। सिर्फ मन के बातों को अगर इंटरटेन करते रहेंगे तो हायर रियलिटी, हायर पिक्चर, बिगर पिक्चर समझ में नहीं आएगा। ध्यान की गहराई में, ध्यान की शून्यता में जो महसूस होता है उसको हमें अपने जीवन में बाकी समय याद रखना है, याद रखने की कोशिश करनी है। जितना याद रह पाए उतना अच्छा। तो कल योर सोल्स गिफ्ट इस बुक के बारे में जिक्र आया था। इस बुक को पढ़ने के लिए, खासकर इसका चैप्टर नंबर 6, किन्होंने पढ़ने का प्लान बनाया है अपना हैंड रेज करके बताइएगा। अभी हम बोलने का नहीं है मौका है, बस आपको हैंड रेज करना है या आपको चैट में लिखना है यस आई डाउनलोडेड द बुक, या फिर अभी, हाँ अभी पढ़, अभी सोच रही हूँ, अभी सोच रहा हूँ। देखिए, आपको आपको थोड़ा समय देना होगा खुद से, अपने लर्निंग के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, तो फिर बात पूरी बनेगी। हमें अपने लर्निंग की जिम्मेदारी भी खुद से लेनी चाहिए, और जिम्मेदार लेंगे तो फिर हम ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे, अच्छे से बढ़ पाएंगे। चलिए, 6 चैप्टर को पढ़िएगा, हम कल इस 6 चैप्टर को पे फिर से थोड़ा सा आएंगे। और इसके अलावा और जो दूसरे अच्छे चैप्टर्स हैं वो इसमें, फर्स्ट चैप्टर हीलिंग, फोर्थ चैप्टर, ऐसे 13 13 चैप्टर हैं, सभी चैप्टर बारी बारी से पढ़ें, लेकिन इस 13 चैप्टर में जो मेन है हीलिंग, फोर्थ चैप्टर केयर गिविंग, 10th चैप्टर पॉवर्टी, 12th चैप्टर रेप, और 13th चैप्टर मेंटल इलनेस। तो इन 3 6 चैप्टर में से और कौन सा चैप्टर आप सुनना चाहते हैं वो आप चैट में बता दीजिएगा, तो कल हम इस बुक पर डिस्कशन फिर से करेंगे, रिलेशनशिप पर थोड़ा सा फिर से आएंगे, और बाकी कोई एक चैप्टर ले लेंगे। आप बताइए कौन सा लिया जाए। ये लर्निंग बुक के माध्यम से है, और उसके अलावा हम 30 सोल लेसन्स जो एब्स्ट्रैक्ट है उस पर चल रहे हैं, और उस पे हम फिर से आज करते हैं। जिनको अच्छा लग रहा है और जिनको अच्छा, जिनको मुश्किल हो रही है, वो सभी इसको लिखा करें। लिखते हुए, लिखने से हमें ज्यादा याद रहता है। सोल लेसन का जो बेस है वो ये है कि वी आर सोल। अगर किसी को, अगर मैं सोल हूं, मैं आत्मा हूं, इस बात को अगर जानने मानने में अगर मैं ही अगर अभी
अगर दिक्कत हो रही हो, वो नहीं मान पा रहे हो, फिर तो अभी मेडिटेशन ही मेन सहारा है कि सुमन जी, अगर नहीं समझ में आया बुक ना, तो उसके पॉइंट्स को लिखिए, जो उसमें से उसको हाईलाइट कीजिए, कुछ पीडीएफ रीडर में हाईलाइट करने की फैसिलिटी होती है, नहीं तो उसको उसकी मेन बात को अलग से लिखिए, जो आपको उसमें से जो भी आपको मेन बात खुद लगती है। यहाँ पे मैं कहानी कहूँगा अभी, लेकिन कहानी से पहले थोड़ा सा सोल लेसन को थोड़ा आगे चल लेते हैं। तो फास्ट देखते हैं पहले हमने क्या क्या देखा है। वी आर सोल, सोल इनकारनेट, सोल इनकारनेट मेनी टाइम्स, लगभग 300 जन्मों की ये गाथा है, जर्नी है, और उसमें ये 5+2 सोल स्टेजेस हैं। हमें अपने आसपास बेबी सोल, मैच्योर सोल, यंग सोल को पहचानना चाहिए। हम मेडिटेशन में सिंसियरली आ गए हैं, तो हमारा ओल्ड सोल का स्टेज चल रहा है। हाँ, ओल्ड सोल के स्टेज में भी हम अपने आप को आगे बढ़ाएं, वो बात सही है। इन्फेंट सोल, बेबी सोल के नेचर को हमने काफी पहले देखा हुआ है, उस पर चिंतन बीच बीच में करते रहना है। बेबी सोल और यंग सोल अगर कोई पहचान में आया, उसके और दूसरे फीचर्स क्या हैं, तो चिंतन करेंगे तो अपने आप भी समझ में आएगा, इंटरनेट का सहारा भी ले सकते हैं। ओल्ड सोल के भीतर जो सब डिवीजन है, उसको हम समझें कि हम हमारे भीतर बेबी सोल, यंग सोल, मैच्योर सोल का कौन सा फीचर हमारे भीतर बचा हुआ है। हाथी निकल गई है, पूछ रह गई है, उसको समझकर उसको भी अनलर्न करना। बेबी सोल रिजिडिटी, यही तरीका ठीक है सिर्फ, इसके अलावा तो बाकी सब कर रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो। यंग सोल ईगो, आई एम द बेस्ट, आई एम गुड इज फाइन, अपनी बड़ाई के साथ साथ दूसरों की बड़ाई भी सुनने की हमें आदत रखनी चाहिए, दूसरों को अप्रिसिएट करना चाहिए। सिर्फ हम अपनी अपनी गाते रहें तो वो यंग सोल वाला फीचर है। मैच्योर सोल बस बाहर बाहर ढूंढ रहे हैं, अंदर आते नहीं। अंदर आना यानी कि ध्यान, ये ओल्ड ओल्ड सोल का बात हुआ। मैच्योर सोल किताबों में, आश्रम में, गुरुओं में, टेक्निक में, उसमें ज्यादा जाएगा। हाँ, थोड़ा सा हमें, अब 24 घंटे हम ध्यान में तो नहीं रहेंगे, तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी करना चाहिए, लेकिन एक्सप्लोर, एक्सप्लोरेशन प्रायोरिटी है, गुरु प्रायोरिटी है या ध्यान प्रायोरिटी है? ओल्ड ओल्ड सोल के लेवल पे मेडिटेशन प्रायोरिटी रह जाएगा, मैच्योर ओल्ड सोल लेवल या बेबी ओल्ड सोल के लेवल पे गुरु प्रायोरिटी रहेगा। ये बात थोड़ी समझनी है। डिफरेंट सोल लेसन्स हम धरती पर सीख रहे हैं, हर दिन हम सीखते हैं, हर अनुभव से सीखते हैं। कोई भी इंट्रैक्शन है, किसी भी पर्सन के साथ कोई बात हो रही है, इसमें क्या सीखना हो सकता है? और कितनी बार हम दूसरों को सिखाते हैं, तो सिखाना भी तो एक सीखना है। टीचिंग इज ए गुड लर्निंग, हाउ टू टीच, हाउ टू इंस्पायर अदर, हाउ टू हेल्प अदर, वो भी लर्निंग है। जान लेना एक अलग बात है, जो हम जान गए वो दूसरों को जना देना, दूसरों को समझा देना, वो एक और बड़ी बात है। और हर जन्म में हम चूज करते हैं हमें क्या सीखना है। लाइफ इज नॉट रैंडम, अपने आप कुछ नहीं हो रहा है। एक जन्म में हम 3 सीखते हैं, कभी कभी 6 सोल लेसन्स भी हो सकते हैं। जितनी ज्यादा आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, वो इंडिकेटर है कि उतने ज्यादा आपने सोल लेसन आपको सीखने का आपने प्लानिंग कर कराए हैं। हम अपनी हर एक लर्निंग का डेथ के बाद रिव्यू करते ही हैं, तो अगर आप समझदार हैं, पहले से रिव्यू करने लग जाएं, तो डेथ के बाद जो होना है वो पहले हो जाएगा। तो आप डेथ के पर्पस को डिफाई कर सकते हैं। डेथ के पर्पस को डिफाई कर दिए, डेथ आपके लिए उतना जरूरी नहीं रह जाएगा, या जब होगा भी तो स्मूथ प्रोसेस होगा। बहुत बड़ी बात है ये, हम डेथ के को स्मूथ कर सकते हैं, डेथ के एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हैं। और इन सभी बातों को समझने के लिए डॉक्टर राजीव पारती को हम पढ़ें, अनीता बुरजानी को पढ़ें, डॉक्टर ब्रायन वाइस को पढ़ें, और अधिक समझ में आएगा। अनीता मुरजानी इंडियन ओरिजिन की हैं, हांगकांग में रहने वाली महिला है। राजीव पारती भी इंडिया के हैं, कैलिफोर्निया में रहते हैं, तो इंडियन कनेक्शन होने के कारण हमको ज़्यादा इजी वे में हम कनेक्ट कर पाएंगे स्टोरी से। प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज
डॉक्टर ब्रायन वाइस सबसे बड़ा नाम है, मेडिकल डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट है, और वो फिर पीएलआर कर रहे हैं, ये सब बातें बता रहे हैं, तो मेडिकल बैकग्राउंड होने से साइंटिफिक अप्रोच थोड़ा आ जाता है। काफी केस स्टडीज, 30,000 से अधिक इन्होंने इस तरह के केसेस एक्सप्लोर किए हुए हैं। तो चिंतन करते रहें, पढ़ते रहें, हमें धरती पर हिम्मत सीखने के लिए आना है। करेज, सो लेसन हम फिर से एक बार देख लेते हैं, हिम्मत सीखना है। अपनी जिंदगी में कहाँ पर आपको हिम्मत रखना था, याद करेंगे तो आप पाएंगे हाँ उस टाइम पे आप करेज सीख रहे थे। धैर्य बनाए रखना, परसिस्टेंट एफर्ट। धैर्य से थोड़ा सा अलग है, इसमें मेहनत है, धैर्य में बस वेट करना है, वॉच करना है। प्रिजर्वेंस में हम मेहनत भी करते रहते हैं, और हर जगह पे मेहनत तो हो ही सकती है। ये ठीक है कि आप बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ने की कोशिश करें, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलने की कोशिश करें, अगर चल भी नहीं सकते तो थोड़ा सा क्रॉल करें, क्रॉल भी नहीं कर सकते तो कम से कम खड़े हो जाएं, बैठे मत रहें। अपने आप को स्ट्रेच करें तो आप धीरे धीरे आगे निकल ही जाएंगे। जो कहानी है वो मैं ये बताता हूं, एक एक बार एक वजीर को एक राजा ने कुछ किसी बात पे गुस्सा हो गया और उसको एक ऊंची मीनार पे ऐसा से मीनार बनवाई कि उससे उतरने का रास्ता नहीं, उसको ऊपर बनाकर उसको वहां पर कैद में छोड़ दिया। फिर वजीर वहां पर है, तो बाद में ऐसा का ऐसे स्टोरी आती है कि रेशम का धागा एक कीड़े को लेके सामने सूंड पे आगे की तरफ एक शहद शहद का एक बूंद उसकी वाइफ ने लगाया और उस कीड़े के पैर में एक रेशम का धागा बंधा हुआ, और कीड़ा जो है अब उसको सामने से लग रहा है कि शहद की सुगंध आगे से आ रही है, तो वो ऊपर सीधा चलता गया और वो मीनार के टॉप तक पहुंच गया। अब वजीर के पास वो रेशम का धागा पहुंचा, उसने रेशम का धागा पकड़ लिया और फिर रेशम के धागे में एक पतली सूत बांधी गई, उसने रेशम के धागे खींचा और उसके साथ वो पतली सूत आ गई। अब उस पतली सूत से एक रस्सी बांधी गई और फिर उसके पास रस्सी पहुंच गई, फिर उस रस्सी से एक मोटा रस्सा बांधा गया, फिर वो मोटा रस्सा ऊपर पहुंच गया, फिर उसने उस मोटे रस्से को ऊपर कहीं पर बांधा, लटकाया और फिर रस्से के सहारे नीचे उतर गया। कहने का मतलब कि जितना हमें जो बड़ा करना है तो हम थोड़ा सा को छोटा सा थोड़ा सा पहले करें, तो उसके सहारे हमको और बिगर हायर लार्जर में हम समझ जाएंगे, पहुंच जाएंगे, पा लेंगे। जितना आपको समझ में आ रहा है उतना आप चलें, उतना आप करें, और फिर धीरे से आपको और आगे का भी आ जाएगा। हमें सोल लेसन में बहुत सारी बातें सुनने को मिल गई, बहुत सारी बातें बहुत लोगों को हो सकता है हजम में नहीं आ रही हो, जितना आ रहा है उसको उतना करते चले, धीरे धीरे आगे बढ़े, हो जाएगा। सेल्फ कंट्रोल, अपने भीतर विवेक को विकसित करना, रिवरेंस, सभी का रेस्पेक्ट, छोटे से छोटे जीव और प्राणी और पौधे का भी रेस्पेक्ट, फेथ, श्रद्धा रखना अपने मास्टर्स पे, डिवाइन पे, जेंटलनेस, सौम्य बनना, सौम्य बिहेवियर, काइंड बिहेवियर। कोई छोटा है तो उसके साथ ऐसा नहीं छोटे जैसा व्यवहार करें, सबके साथ इक्वल वाला व्यवहार करें। दूसरा आपसे एग्री नहीं होता तो भी उसके प्रति काइंड रहें, तो भी उसके लिए सपोर्टिव रहें। एक्टिव डिजायर फॉर हेल्प, दूसरों के दुख दर्द को कम करने के लिए प्रयास करें। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से, थोड़ा अपने बाउंड्री से बाहर निकले दूसरों को हेल्प करने के लिए। अपने जीवन में बैलेंस रखना सीखना है कि कभी किसी एक स्ट्रीम पे मत चले जाएं कि अभी सिर्फ काम काम कर रहे हैं, आराम नहीं है, सिर्फ आराम कर रहे हैं तो काम पीछे हो गया। बहुत सारे लोग रविवार को ज्यादा सोना चाहते हैं, जब ऐसा हो रहा है इसका मतलब है कि बाकी दिन आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हमारा जीवन ऐसा रहना चाहिए 7 दिन एक तरह से रहे, तब मतलब ठीक है, घर का काम होगा,
ऑफिस का काम नहीं होगा तो घर का काम होगा। अगर आप 7ों दिन एक तरह से सो रहे हैं तो फिर वो एक बैलेंस का एक इंडिकेटर है। ओपन हार्टेडनेस, हमेशा जानने सुनने मिलने जुलने के लिए तैयार रहना चाहिए। पीस शांति, हम अपने भीतर शांति लेकर आए। कर्मा, हर जगह शांति ला भी रहा है वैसे यूनिवर्सल लेवल पे, लेकिन हम भी अपने तरफ से बेहतर कर्म करने की कोशिश करें। माइक्रो लेवल पर, अपने परिवार के लेवल पे, अपने जो हमारा लिमिटेड एरिया में जहां पर हम अपना पावर एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस जगह पर शांति लाने की कोशिश करें। धीरे धीरे शांति आती है तो ही वो शांति बड़ी होती है। कॉन्टम्पलेट करते रहना है इनर पीस कंसेप्ट पे, जैसे ये मूवी में कंग फू पांडा दिखाया गया है, देखिएगा बच्चों की और कार्टून की मूवी है। तो इनर पीस हमारे भीतर बढ़ेगा, जिस पे भी हम कॉन्टम्पलेट करें, जिस पे भी हम चिंतन करें, वो हमारे भीतर बढ़ता है। बच्चों की तरह खुश रहना सीखें, लाइफ को एंजॉय करना सीखें, एक्सेप्ट करना सीखें। हर चीज को हम तुरंत नहीं बदल सकते, मे टाइम से टेक्स टाइम। हारमनी में रहना, हमसे जो अलग विचारधारा वाले हैं, हमसे जो अलग सोच वाले हैं, उनके साथ ही मिलजुल कर रहना। हमेशा मिलजुल के रहने की जरूरत नहीं है, जब कभी इंटरेक्शन हो, जब कभी बात संवाद हो, तो भी हम उनके साथ इक्वल की तरह रह सकें। टीम वर्क, कोई बड़ा काम करने के लिए अपने छोटे माइंडसेट को किनारे रख के बिगर पिक्चर के अनुसार कॉपरेट करना, टीम वर्क आना। इम्पैथी, सिर्फ अपना अपना नहीं गाना, दूसरों की आंखों से देखना सीखना, दूसरा किस परिस्थिति से गुजर रहा है उसको समझना सीखना। अगर हमारे भीतर इम्पैथी आ जाए तो कंपैशन आएगा, इम्पैथी और कंपैशन जुड़ा हुआ है। अगर हमारे भीतर इम्पैथी हो तो हम कभी दूसरों को, अगर कोई पर्सन गुस्सा करता है, अगर कोई पर्सन कुछ ऐसा बिहेवियर करता है जो उचित नहीं है, अगर आप उसके बचपन को देखेंगे, उसको पहले देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, उसके लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, इस कारण से उसका ऐसा बिहेवियर है। तो इम्पैथी जाग पाएंगे। हमको बिगर पिक्चर देखना सीखना है। हिटलर को बचपन में प्यार नहीं मिला, तब वो इतना क्रूअल बन गया। लाइफ यही है, हम जब होता है, जब जोड़ी देना है लव, उस समय देते नहीं है, और जब लव नहीं मिलता है और फिर कोई पर्सन डिफिकल्ट बन गया, तो फिर हम चिंता करने लगते हैं। सही समय पर सही चीज देने लग जाए तो दुनिया बेहतर होती जाएगी। सिंपैथी अलग चीज है। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, जितना हमें आता है, जितना हम जानते हैं, उतना हम झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। विनम्र बनना सीखें, ज्ञान की पहचान विनम्रता है। ट्रस्ट, एक बार गलती हो गई किसी से, उस तो उसके लिए उससे जिंदगी भर का नाता तोड़ लेना, वो ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, मौका देना चाहिए, थोड़े अलर्टनेस के साथ, थोड़े अवेयरनेस के साथ। एक व्यक्ति अगर बुरा मिले तो हर व्यक्ति बुरा नहीं होता। किसी एक शहर में बिजनेस करने गए, वहां पे कोई आदमी आपको मिला जो चीट कर, जिसने चीट किया, इसका मतलब ये नहीं पूरा शहर चीट करने वाला है। तो ट्रस्ट अगर हम समझेंगे, रहेगा, तो हर जगह पे हम फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग, देना सीखें। अध्यात्म में ये एक बहुत बड़ी बात है, जितना हम देना सीख जाएंगे ना, हमको उतना मिलना लग जाएगा। हम सिर्फ पाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ह्यूमैनिटी पे। अगर सिर्फ मांगने की आपकी आदत है तो कहाँ से आपको मिलेगा? जितना देना देना सीखेंगे उतना आपको मिलेगा। शेयरिंग इज केयरिंग, इसको दीपक चोपड़ा लॉ ऑफ गिविंग भी कहते हैं, आप पर देखिएगा यूट्यूब पे। लॉ ऑफ गिविंग, देने से मल्टीप्लाई होकर हमारी लाइफ में आता है, और यूनिवर्स में देना ही एक नियम है। सब प्रकृति में सब कुछ दे रहे हैं, देते हैं तो फ्लो बनता है। नेचुरल फ्लो को हम समझें, उसको अलाउ करें, उसको बहने दें, तो हमारे पास भी आता रहेगा। फॉरगिवनेस, माफी मांगना, कहीं पे गलती समझ में आए तुरंत माफी मांग लेना, दूसरे को बुरा लगे तो माफी मांग लेना। फिजिकल माफी ना मांग पाए तो मेंटल माफी मांग लेना, मेंटल माफी पहले हो जाए तो फिर फिजिकल भी मांग लेना चाहिए। सिर्फ मेंटल से काम नहीं चलेगा, फिजिकल भी होना चाहिए, मेंटल से आसान हो जाएगा। फॉरगिवनेस मांगने से बहुत सारे कर्मा कट जाते हैं। होपोपोनो प्रैक्टिस के द्वारा कई सारी बीमारियां ठीक हुई हैं। बहुत सारी क्रोनिक बीमारियों में फॉरगिवनेस का भी बहुत बड़ा रोल है। पेशेंस, धैर्य, धैर्य विद पॉजिटिव एटीट्यूड, समय काटना नहीं, खुश रहकर समय काटना। सेल्फ लव, अपने आप से प्रेम
प्रेम करना, सेल्फ लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लुई है कि पूरी टीचिंग का सबसे बड़ा सार जो है वो सेल्फ लव है। अगर हम अपने आप को प्रेम करते हैं, अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं, अपने आप को इंजॉय करते हैं, अपने डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, खुश रहते हैं, तो खुश रहना ईजी हो जाएगा। सेल्फ लव से आगे है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव में हम देते हैं और बस मस्त हो जाते हैं, देने के बाद फिक्र नहीं। अगर देने के बाद आपको याद है तो फिर वो बिजनेस है। देने के बाद प्रकृति में नियम है, हमें मिलता है। अगर कभी कहीं नहीं मिला देने के बाद, तो समझना है कि पहले का वो बैलेंस हुआ, पहले हमने कभी किसी से लिया होगा बचपन में, कई साल पहले आप भूल चुके हैं, या पहले के किसी जन्म में, और अभी वो देना चल रहा है। अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव एक बहुत बड़ा लेसन है, सबसे बड़ा लेसन है मीडियम लेवल के सोल के लिए। पावर वर्सेस फोर्स इज ए वेरी गुड बुक बाय डेविड हॉकिंस, उसको थोड़ा पढ़िएगा। कॉन्शियसनेस के स्केल के बारे में उसमें दिया हुआ है। धीरे धीरे लेसन यहां से और उच्च हो जाते हैं, एडवांस हो जाते हैं। ये एम स्कॉट पेक की बुक में पहले काफी मेंशन कर चुका हूँ, रोड लेस ट्रेवल्ड। लव को समझना है, लव कंसेप्ट को, लव और उसके स्पिरिचुअल कनेक्शन को, तो रोड लेस ट्रेवल्ड ये एम स्कॉट पेक की बुक है, वो पढ़िएगा। कई सारी बुक है इनकी, ये बहुत पॉपुलर बुक है रोड लेस ट्रेवल्ड। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर दूसरों के हेल्प करने के लिए हम करना, हम बस विश कर रहे हैं कि हाँ दूसरा पर्सन बढ़िया हो जाए, दूसरा पर्सन ठीक हो जाए, सिर्फ विश नहीं करना, उसके लिए कुछ एफर्ट लगाना, और वो एफर्ट विद द अवेयरनेस कि हाँ दूसरे का इससे डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो। थैंकफुलनेस, हमें धन्यवाद देना चाहिए। सुबह जगने के बाद सबसे पहले हमें धन्यवाद देना चाहिए, ऐसा वेन डायर एक स्पिरिचुअल टीचर हुए, उन्होंने सिखाया, बहुत अच्छी बात है ये। हम धन्यवाद हर चीज का दे सकते हैं, जिस बिस्तर पे हम सोए हैं उसका धन्यवाद दे सकते हैं, पिल्लों का धन्यवाद दे सकते हैं, फैन है, एसी है, उसका हम धन्यवाद दे सकते हैं। हम स्वस्थ हैं, जितने भी स्वस्थ हैं, हम उस स्वास्थ्य में जो है उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं। जिंदगी में जो हम नहीं होता है उसके लिए हम कंप्लेन करते हैं, ये कंप्लेन करते हैं तो जिसके लिए कंप्लेन करते हैं वो बढ़ता है। जो हम है उसके लिए धन्यवाद दें तो जिसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं वो बढ़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप काम करता है अगर हम थैंकफुल होते हैं तो। ठीक है, 100% लाइफ सब कुछ ठीक नहीं मिलती है, लेकिन यही सीखना है कि हम उसको बेहतर, 100% बेहतर कैसे बनाएं। अगर धरती पर हम अवेयरनेस बढ़ाना सीख लें, आगे बढ़ना सीख लें, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। थैंकफुल बने, थैंकफुलनेस से ही जुड़ता हुआ है ग्रैटिट्यूड। थैंकफुल में हम अच्छी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। जिंदगी में जब समझ में आ जाए कि कॉन्ट्रास्ट से ही तो पेशेंस बढ़ता है, कॉन्ट्रास्ट से ही तो हम अपनी डिविनिटी के प्रति रिकनेक्ट होते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट का भी धन्यवाद। यहाँ पर एक बहुत अच्छी कहानी है, कुंती एक बार महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद कृष्ण भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, कुंती पांडवों की माँ, हे भगवान हम मुझे हमेशा दुख ही दुख देना। बहुत लोगों को लगेगा ये क्या बात हुई, कैसे कैसा कैसी लेडी है सफरिंग मांग रही है। उसकी उसका आगे का कहना है कि जब सफरिंग रहती है तो भगवान मुझे तुम्हारी याद रहती है, तो तुम्हारी याद बनी रहे इसलिए मुझे सफरिंग ही सफरिंग देना। हम सफरिंग, चलिए कुंती जैसा हम सफरिंग ना मांगे, लेकिन जब सफरिंग आ रहा है तो वो डिविनिटी को जुड़ने के लिए कॉन्ट्रास्ट है, ये तो याद रखें। हम वास्तव में दिव्य प्रकाश है, दिव्य प्रेम है। पेनफुल सिचुएशन से हम चिंतन करने को मजबूर होते हैं, ढूंढते हैं सॉल्यूशन, अपने भीतर जाते हैं, और फिर जवाब आ जाता है तो फिर हम डिविनिटी को जीने लग जाते हैं। अगर ये अनुभव है तो हर अनुभव का धन्यवाद, हर पर्सन का धन्यवाद। थैंकफुल में हम अच्छे लोगों का धन्यवाद देते हैं, ग्रेटिट्यूड में हम हर पर्सन का धन्यवाद देते हैं, ये और बड़ी बात है। स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटर, स्पिरिट, अहम ब्रह्माष्टमी,
हम क्रिएट कर रहे हैं अपने कॉन्शसनेस की पावर से। डिवाइन कॉन्शसनेस का ये एबिलिटी है कि ये क्रिएट कर सकता है। हम क्रिएट अनजाने में कर ही रहे हैं अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से। कॉन्शियस हो जाए कि हम किस तरह के विचार प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके अनुसार कैसा क्रिएशन हो रहा है, हमें बेहतर क्रिएशन करना है। जो क्रिएशन हमारा पहले है, पहले के हमारे कर्म है, उसके लिए ब्लेम नहीं करना है, जिम्मेदारी स्वीकार करनी है। जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए बेहतर क्रिएशन हम शुरू कर दें, बेहतर लाइफ हमारी चारों तरफ हो जाएगी। आप अपने जीवन में स्वर्ग या नरक दोनों ही बना सकते हो, आपके पास वैसी कैपेसिटी है। अगर आपके जीवन में स्वर्ग है तो भी आप उसके लिए जिम्मेदार हो, अगर नरक है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, तो भी आप ही जो जिम्मेदार हो। दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दें, जिम्मेदारी लें, समझें क्रिएटिव एबिलिटीज को। ग्रेटिट्यूड, जब जीवन में हर अनुभव के लिए धन्यवाद आने लग गया तब ग्रेटिट्यूड लेवल तक आप पहुंचे हैं। और इवन फॉरगिवनेस भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ट्रू फॉरगिवनेस इज वेन यू कैन से थैंक यू टू अदर पर्सन, जिसने आपको दर्द दिया, धोखा दिया, आप उसको भी धन्यवाद दे पाओ, तब वो फॉरगिवनेस पूरा है, तब वो ग्रेटिट्यूड भी हो गया। सेल्फ रेफरेंसिंग, अपने भीतर से सवालों का जवाब जानना और उस पर ट्रस्ट रखना। हम ब्रह्मांड के साथ एक ही हो जाते हैं, इस तब उस लेवल पे ये चीज हो पाती है। इटर्निटी का बोध होता है, हम अजर अमर अनंत हैं, हम मल्टी डायमेंशनल हैं, कई लोक में एक साथ जीवन जी रहे हैं, एकत्व वननेस। हम उस लेवल तक अपने आप को जानने तक आगे साधना करते रहते हैं, एकत्व हो जाता है, फिर हम सत्य का एहसास हो गया, आनंदमय कोष तक हम पहुंच गए और फिर मुक्ति आपका अधिकार है। हाँ, अवतार बनकर, इन्फिनाइट सोल बनकर, पांच सोल स्टेज थे, पांच के बाद जो दो दूसरे जो स्टेज हैं, ट्रांसेंडेंटल सोल, इन्फिनाइट सोल, एकत्व अद्वैत तक अनुभव हो गया। उसके बाद बुद्ध के रूप में, इनलाइटेंड सोल, इनलाइटेंड मास्टर के रूप में धरती पर दूसरों को हेल्प करने के लिए अपने बाय चॉइस विदाउट बॉन्डेज ऑफ कर्मा इट इज पॉसिबल टू कम, बहुत सारे आते हैं। और मुक्ति के बाद थियोसोफिकल सोसाइटी में आता है, दे आर सेवन डिफरेंट लाइन कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। तो उसमें से ये जो सर्विस करने का है वो मेन है, वो अच्छा है, और इसी को कहा गया है सत्य। सत्य जानो और तुम्हें मुक्त कर देगा, ये सत्य है। यही अंडरस्टैंडिंग, सोल की अंडरस्टैंडिंग आपके जीवन में मुक्ति ला सकती है। मुक्ति सिर्फ चाहने से नहीं आएगी, समझने और जीने से आएगी। नो द ट्रुथ एंड इट शैल लिबरेट यू। बहुत लोग पूछते हैं पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। इन सभी सत्य को इम्बॉडी करना, इम्बॉडी मतलब सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पे नहीं जाना, आपके रग रग में, रोम रोम में समा जाए, तब आप पर्पस ऑफ लाइफ अगर फुलफिल हुआ। इन सभी बातों को समझें और जीना शुरू करें, और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ लाइफ, अब जो भी आप काम कर रहे हैं वो इन सभी अंडरस्टैंडिंग के साथ करें, अपने लाइफ को एंजॉय करें, बच्चों के साथ खेलें, बच्चों की तरह रहें। सिंप्लिसिटी इज इनडायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कोई धीर गंभीर नहीं हो जाना, सब कुछ जानते हुए आराम से बच्चे की तरह रहना। जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इन सही बातों का एहसास होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान को जानना पर्पस है। नहीं, भगवान को जानना पर्पस नहीं है, भगवान की तरह जीना पर्पस है। भगवान को पहले जान लेना, भगवान क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही भगवान है, यह भी अनुभूति होती है। वो अनुभूति के बाद भगवान की तरह जीना, भगवान की तरह खाना, भगवान की तरह सोना, भगवान की तरह करना, भगवान की तरह देना, बहुत बड़ी बात है। गॉड नेवर गेट टायर्ड बाय गिविंग। तो आपके भीतर जब ये एटीट्यूड आ जाए, देना आपका नेचुरल स्वभाव बन जाए, तो आप गॉडहुड के पास आ रहे हैं। गिव लाइक ए गॉड, सर्व लाइक ए गॉड, एक्ट लाइक ए गॉड, डाई लाइक ए गॉड। अब देखिए क्या मतलब हुआ, गॉड की तरह मरो। तो गॉड कभी मरता नहीं है, ये बात समझ में आ रही है। तो जब शरीर की मृत्यु भी हो तो एहसास हो कि ये शरीर मर रहा है, आपके भीतर दुख नहीं रहेगा, आपके भीतर एक शांति रहेगी, एक मुस्कान रहेगी। हो सकता है मृत्यु के समय भी इंजॉय कर रहे हो। कहा जाता है रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए
आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर। अगर आप हंसते हुए अगर मर सको, जा सको, धरती को छोड़ सको शांति के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, देन यू आर वर्चुअली, यू आर फंक्शनली इमॉर्टल। इतिहास में जो अजर अमर हुए हैं और जो हो रहे हैं, वो उनके भीतर कुछ ऐसा स्वभाव था, कुछ कुछ नजदीक वो पहुंच गए थे, और ट्रू इमॉर्टल वही है जो इस अवस्था तक पहुंच गए। आपका काम, आपका एक्शन वो इतिहास में अजर अमर हो जाएगा। अजर अमर होने के लिए इस तरह से नहीं करना है, वो नॉर्मल और नेचुरल हो जाता है। हम भगवान की तरह जिए, भगवान की तरह मरे, इन बातों को समझें। और हाउ टू लर्न लेसन, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक बहुत आता है। मुझे लग रहा है कि आज का समय काफी हो गया है। ये हाउ टू लर्न लेसन पे हम कल आएंगे, कल नहीं परसों आएंगे। कल हम जो योर सोल्स गिफ्ट बुक है उसका 6th चैप्टर, और 6th चैप्टर के अलावा और जो जो चैप्टर आप लोगों ने मेंशन किया है चैट में, मैं थोड़ा चैट देख लूं कि कौन कौन से बुक की डिमांड आई है। चलिए, हाँ, चैप्टर 1 हीलिंग बस आया है सतपाल जी का, मेंटल इलनेस आया है 13th चैप्टर का। ठीक है, तो चैप्टर 1 थोड़ा रिलेशनशिप फिर से देखेंगे, और उसके बाद चैप्टर 1 और चैप्टर 13 में से कोई एक लेंगे, दोनों तो नहीं हो पाएगा, कोई एक ही लेंगे। आ सुमन जी, बहुत आप इच सभी सब सब चैप्टर कैसे होगा, उतना समय नहीं है। अरे और सबकी जरूरत भी नहीं है, आपको जो रिजोनेट करे। अब इसमें होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर भी है, इंसेस्ट के ऊपर भी है, एबॉर्शन के ऊपर भी है, सबकी उतनी जरूरत नहीं है। मेन मेन समझ लीजिए, थीम आपको समझ में आ जाएगा, तो बाकी पे भी कोरिलेट कर पाएंगे। चलिए तो ठीक है, हीलिंग वाला कर लेंगे, और मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग बीमार मिलते हैं जिनको कोई साइकेटिक इलनेस है, न्यूरो साइकेटिक इलनेस है, क्यों है ये सवाल चलता रहता है। मेंटल इलनेस पढ़ लेंगे। अब नीना जी, आप दूसरी किताब मांग रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर। जो एक किताब मिली है योर सोल्स गिफ्ट, इस बुक को अगर पढ़ लेंगे ना, बहुत इनफ है, आपका जन्म मरण से तो मुक्ति हो जाएगी। अब हम एक कुछ अभी ठीक से किए नहीं है, दूसरे बुक किताबों पे जा रहे हैं। जंप करने की आदत जो है ये मैच्योर सोल वाली है, बेबी सोल वाली है, मैच्योर सोल, बेबी सोल नहीं। बेबी सोल तो जो इस चीज को पकड़ ले उसको पकड़े रहता है बस, लेकिन उस पे अड़ जाता है। मैच्योर सोल, मैच्योर सोल वाली टेंडेंसी से बाहर निकले। अगर बाकी किताबें रख भी लेंगे अपने मोबाइल में तो क्या हो जाएगा, कई सारी चीजें मत ट्राई करें, एक चीज को अच्छे से करें। चैप्टर 6 पढ़ लीजिए पहले, चैप्टर 6 हो जाए, जो भी चैप्टर अच्छा लगे 13 चैप्टर से वो पढ़िए। योर सोर्स प्लान भी है उसमें, उसमें डेथ और एक्सीडेंट ये 2 चैप्टर हमने किए थे, उसके अलावा भी और उसमें कई सारी चीजें हैं वो पढ़ सकते हैं। डोंट जंप, इट इज नॉट हेल्पफुल। डोंट कीप फॉर द फ्यूचर, इस तरह से सोचें कि अगर अगर मैं अगले वीकेंड पे अगर मुझे धरती छोड़ना पड़े तो फिर क्या क्या सबसे ज्यादा अच्छा काम आएगा। और बी रेडी टू डाई, बी प्रिपेयर फॉर योर डेथ, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सबसे पहले करें, फ्यूचर के लिए रखने की कोई जरूरत नहीं है। और यूनिवर्स में ये समझिए, एक यूनिवर्स का सिद्धांत है कि जी हमारे भीतर जिस चीज की पात्रता आ जाती है वो चीज हमारे पास अपने आप चलकर आ जाता है। कर्मों का सिद्धांत ये कहता है हमें अपने भीतर पात्रता लाने की जरूरत है। जो आपके पास एक किताब आ गई है उसको अच्छे से पढ़ के उसको उसकी टीचिंग को लाइफ में जीना शुरू करे ना पहले, तो यूनिवर्स अपने आप आपके वाइब्रेशन को रिजोनेट करेगा। आप मुझसे जुड़े हुए नहीं भी रहेंगे तो भी आपके पास सही चीज, बेटर चीज आ जाएगी। सोल गिफ्ट बहुत वैल्यूबल बुक है, उसके बारे में जितना मैं कहूँ कम है, तो डोंट टेक इट लाइटली, रीड इट थॉरली। और ये आप चैप्टर का खोला हो, जिन लोगों ने खोला है वो रियलाइज कर रहे होंगे कि चैप्टर कितना बड़ा है, कितना डिटेल में इलाबोरेट किया है। अब मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, नाउ यू कैन
टॉक, दो जिनको बात करने की जरूरत है, जिनको जाना चाहते हैं अफर्मेशन लेकर जाइएगा। नमस्ते रंजन जी, नमस्ते नमस्ते। आज का सेशन वाज वेरी वेरी गुड, इट टच्ड मी डीपली। जस्ट वांट टू शेयर कल का एक एक्सपीरियंस। कल मैं दिन में मेडिटेशन कर रही थी तो एकदम ऐसा लगा कि रूट चक्रा से एनर्जी इज गोइंग अप, एकदम जैसे थर्मामीटर में दैट पारा गोज अप, बिल्कुल वैसा वाला फीलिंग था। वाह वेरी गुड, बहुत अच्छे। एकदम सेंटर ऑफ स्पाइन में इतना पेन हुआ, बहुत देर तक पेन रहा। आई केप सिटिंग इन द मेडिटेशन एंड माय फोकस वन वाज ऑन द स्पाइन एंड थोड़ी देर के बाद पेन चला गया। बहुत अच्छी बात, दैट्स गुड। हां तो व्हाट एनर्जी का एक्सपीरियंस है, कुंडलिनी का एक्सपीरियंस है। ओके धैर्य धैर्य बनाए रखिए, आंख बंद किए रहिए, अपने आप वो आगे निकल जाएंगे। आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी तो हीलिंग अपने आप हो जाएगी, बहुत तरह की आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप खुलने लग जाएगी, आपको अधिक समझ में आने लग जाएगा। और एक और छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ, तो कल मेरे को किसी काम से जाना पड़ा मेघालय साइड में, असम से, तो 15 मिनट निकल के मेघालय आ जाता है। तो नेचर वॉज सो फ्रेश एंड ब्यूटिफुल, यहाँ पे बारिश हो रही है आजकल, एज ए फ्रेशली टेकन बाथ। तो मेरे को ऐसे लग रहा था आई एम नॉट लुकिंग एट इट फ्रॉम द फिजिकल आईज एंड बॉडीली आईज से नीम देख रही हूँ, कहीं और से ही देख रही हूँ मैं उसको। तो एकदम अनुभूति हुई कि जैसे शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा, चाहे वो एक मोमेंट्री फीलिंग आया था, बट एकदम आई कुड फील दैट। अपने अच्छे एक्सपीरियंस को ना लिख लिया करें, तो लिखने से ना वो चीज ज्यादा पक्की होगी। लास्ट वन क्विक क्वेश्चन रंजन जी, बहुत बार मेरे को ये कंफ्यूजन रहता है कि जो भी आवाज आ रही है या जो भी मैं मेडिटेशन में सोचना चाह रही हूँ, किसी चीज का आंसर लेना चाह रही हूँ, तो वो कंफ्यूजन हो जाता है, इज इट माइंड चैटरिंग और इट इज दिस इनर वॉइस। जब कंफ्यूजन है तो फिर वो इनर वॉइस नहीं है, इनर वॉइस में तो क्लैरिटी होती है। ओके, थैंक यू। माइंड ड्वालिटी में जाता है, ये अच्छा है कि ये अच्छा है। जहां भी ड्वालिटी है, जहां भी ये करें कि ये करें, माइंड चल रहा है। जो इनर वॉइस है, इंट्यूशन है, इनसाइट फ्रॉम द सोल है, हायर सेल्फ है, वो तो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मुझे ये बोलना है, बस दैट्स इट। ओके, थैंक यू। जो लोग जाना चाह रहे हैं, जैसे लक्ष्मी जी जाना चाह रही हैं, क्या आपका अफर्मेशन, आज का अफर्मेशन क्या होना चाहिए? I would like to improving my patience more and more. Affirmation छोटा होता है लक्ष्मी, इतना बड़ा affirmation नहीं बनाएंगे। Affirmation जितना छोटा होगा ना, उतना हमारे भीतर जा पाएगा आराम से। इसको सॉर्ट करें, patience वाला जो affirmation आपने टाइप किया है, मुझे पर्सनल में टाइप किया है, बाकी को नहीं दिख रहा होगा, उसको स्मॉल बनाएं। कोई patience का affirmation लिखिएगा तो चैट में, या बोलिए What should be the affirmation regarding the patience? A small or a smallest affirmation. सबसे कम word हो उसमें। I'm aware of my patience. हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, ये शुरुआती लेवल पे है, फर्स्ट डे या फर्स्ट 3 days, उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब अवेयर तो हो गए, अब अवेयरनेस के बाद उसको उतारना है, अपने भीतर जीना है, अब अवेयरनेस को भी हटा देंगे। आई एम काम, बहुत अच्छे। विश करने से कुछ नहीं होगा, विश छोड़ो, बस डायरेक्ट लिखो आई एम सेल्फ लव, आई एम लिविंग माई लाइफ विथ पेशेंस, I do everything with patience. मैं शांत और सहज हूं, बहुत बढ़िया, ये अच्छा है। मैं शांत हूं, मैं सहज हूं,
दो अलग अलग सेंटेंस भी बना सकते हैं। जितना छोटा कर लेंगे ना अफर्मेशन, उतना आपके माइंड में उतर जाएगा। साइलेंट, अगर हम मेंटली साइलेंट हुए सुमन तब बात है ना, हम वर्बली साइलेंट हो गए लेकिन मन में तो चल रहा है कंप्लेन, मन में गुस्सा नाराजगी, तो फिर वो साइलेंट कहां हुआ? आई एम लिविंग विद सेल्फ लव, गुड, ये अच्छा अफर्मेशन है। तो पेशेंस जिनका अफर्मेशन है, देखिए अब अपना अपने अपने इंडिविजुअल अफर्मेशन पे थोड़ा फोकस कीजिए। अपने लिए तीन क्वालिटी के लिए अफर्मेशन आप चूज कर लीजिए, तीन लेसन क्या चूज करना है, सभी अपने लिए तीन लेसन क्या है वो पहचान लीजिए। 30 solution हो गए हैं। देखिए अद्वैत तो देखिए सबसे हाईएस्ट अच्छा लगेगा, लेकिन अभी हम अद्वैत के लेवल तक नहीं पहुंचे। अभी हमारे भीतर लाइफ में कोई भी कंप्लेन बचा है, कोई भी बीमारी बची है, तो हायर लेसन को अभी हम बाद में लाएंगे, साल दो साल पांच साल के बाद लाएंगे। ये अगले 30 साल में भी अगर आपने ये 30 लेसन सीख लिए तो बहुत बड़ी बात है। जो सुना है इसको याद रखना है, ये 30 solution ना आप अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा। ये वीडियो YouTube पे अवेलेबल है, उसको प्ले करके 30 lessons लिख लेंगे, इंग्लिश में भी लिखेंगे और हिंदी में भी लिखेंगे, क्योंकि अगर हमारा जो मदर टंग होता है उसमें हमारा सबकॉन्शियस ज्यादा काम करता है। तो अगर हिंदी के अलावा आपके कोई मदर टंग है, सिंधी है, बंगाली है, तेलुगु है, तो उसमें भी लिखिए, उसको ट्रांसलेट कीजिए 30 solutions को उस लैंग्वेज में, और उस 30 में से आपका जो तीन मेन है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। उसको पेपर पे लिखकर लगा लीजिए अपने कमरे में, अपने रसोई में या कहीं भी, और उस तीन में भी एक पे एक पहले एक महीने के लिए या एक हफ्ते के लिए एक पे ही फोकस करना है। जल्दबाजी के चक्कर में हम सब कुछ ना मिस कर जाएं। एक क्वालिटी ठीक से लाएंगे, रिलैक्स भी ठीक है गुरपिंदर जी, लेकिन रिलैक्स के साथ पेशेंस आप जोड़ लीजिए। पहले रिलैक्स रखिए फिर पेशेंस। I am relaxed, I have patience like sun। धरती का पेशेंस कितना है सोचिए, सूर्य का पेशेंस कितना होगा? तो अगर हम उस तरह से सोच लें, कई ढंग से हम सीख सकते हैं। कल हम इस पर आएंगे बात, हाउ टू लर्न, कल नहीं परसों, हाउ टू लर्न, इसको कैसे हम डीप करते जाएं, ठीक है। तो एक कॉमन अफर्मेशन क्या बोलने के लिए, क्या कॉमन अफर्मेशन आप लोग बनाना चाहेंगे? कोई पीस भी आ गया, पेशेंस भी आ गया, मैं शांत और सहज हूं, क्या अफर्मेशन बोलने के लिए होना चाहिए आज का? I am balanced। नहीं, अफर्मेशन बेहतर हमेशा मेरे मन में आ रहा है, आई एम लिविंग लाइक गॉड। हजम कर पाएंगे इतना बड़ा अफर्मेशन? आई एम लिविंग लाइक ए गॉड। Yes, we'll try। ठीक है। तो संस्कृत में अहम ब्रह्मास्मि, देखिए अहम ब्रह्मास्मि बोलना इजी है, संस्कृत है, संस्कृत ज्यादा समझ में नहीं आता है। तो पहले अहम ब्रह्मास्मि और उसके बाद संस्कृत में उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो होगा ब्रह्म, चैतन्य ब्रह्म, कॉन्शियसनेस, लेकिन इजी लैंग्वेज में आई एम लिविंग लाइक ए गॉड। नहीं हजम होगा तो भी फेक इट टिल यू मेक इट शुरुआत में, और ध्यान में अच्छा उतरेंगे तो रिलैक्स होने लग जाएगा। तो चलिए अब हम सब लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे और पहले बोलेंगे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम लिविंग लाइक ए गॉड, आई एम लिविंग लाइक ए गॉड, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम लिविंग लाइक ए गॉड, जोर से बोलिए, लाउडली बोलिए, आपके परिवार के आसपास लोग क्या हो रहा है? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, लिविंग लाइक ए गॉड, आई एम लिविंग लाइक ए गॉड। बोलिए, अच्छा उसको बोल लिए,
फिर से बोल लीजिए. अहम ब्रह्मास्मि. आई एम लिविंग लाइक अ ब्रह्मास्मि. आई एम लिविंग लाइक अ गॉड. बढ़िया सर. एक बात पूछनी थी सर, वो जो आज आपने पानी के ऊपर बताया उस पर थोड़ा और प्रकाश डालिए ना. पानी के ऊपर क्या बताया? पानी के ऊपर बताया था कि बाहर से आके स्नान करना चाहिए. अच्छा, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए. देखिए, अगर आप गॉडहुड के लेवल तक पहुंच जाए, ज्यादा तेल पी मत लगाओ, फिर तो वो बहुत बड़ी बात है. अगर अगर आप यहाँ पे, मुझे एक कोहोस्ट चाहिए जो थोड़ा दूसरे को म्यूट कर सके. कौन कोहोस्ट बनना चाहेगा? थोड़ा मुझे वॉलंटियर कीजिए, तो हैंड रेज कीजिए या चैट में टाइप कीजिए. जिनकी तरफ से आवाज आए उनको म्यूट करना. बाकी सब कौन म्यूट कर रखे हैं? सुमन, आपको मैं बना रहा हूँ कोहोस्ट, क्योंकि सबको बोलने का मौका चाहिए. लेकिन अगर कोई, अगर घर में आवाज आ रही है तो अपने आप को फटाक से म्यूट कर ले. तो सुमन आप थोड़ा ध्यान रखें, अगर किसी तरफ से आवाज आए तो. देखिए, अगर आपको गॉड के लेवल तक का रियलाइजेशन हो गया, आई एम लिविंग लाइक ए गॉड, तब तो बाकी सब कुछ छोटा रह जाएगा. जैसे पारस मनी होती है, वो जिसको छूती है उसको सोना बना देती है. पारस मनी जैसा एक संत हुए अतीशा, वो ऐसा सिखाते थे कि निगेटिविटी हम पिए और उसको पॉजिटिविटी बना के रिलीज करें. निगेटिव एनर्जी को हम पी जाएं और फिर उसको पॉजिटिव एनर्जी बना के रेडिएट करें. तो ये थोड़ा सा उच्च क्वालिटी है, बड़ी बात है. अगर हमारे भीतर उतना वैसी साधना हो, वैसा धैर्य हो, वैसा एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म हो, हर एक के भीतर दिव्य को देख पाना, तब वो बिल्कुल हो पाएगा, हो जाएगा. उससे पहले एक लेवल पे अगर हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ डिफिकल्ट लोगों से इंटरेक्शन हुआ, या हम किसी ऐसी जगह से आए हम बेहतर फील नहीं कर रहे हैं, तो स्नान कर लेना चाहिए. एक टीचर हुए लियोनार्ड, और वो कहते थे हमें हर दिन दिन में दो बार स्नान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हिमालय में या ऐसे जो इमॉर्टल्स हैं, जो सैकड़ों साल हजारों साल जीने वाले हैं, उसमें से अधिकांश की यही लाइफ स्टाइल है कि वो दो बार स्नान करते हैं. तो इससे क्या, एक सिंपल वे में हम ऐसा देखें कि 70% वाटर है हमारे शरीर में. हम वाटर के नजदीक जाते हैं तो प्रकृति के ज्यादा नजदीक जाते हैं. समर में तो ये आराम से हो सकता है, अभी समर ही चल रहा है, तो दो बार स्नान अच्छा है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, लियोनार्डो और की टीचिंग हिसाब से. बाहर से आने के बाद क्या है, बाहर की एनर्जी, मार्केट की एनर्जी, दूसरे लोगों की एनर्जी, दूसरे लोगों से इंटरेक्ट किए तो कैसा क्या फील होता है. अब मैं हॉस्पिटल में काम करता था या जेल में, तिहाड़ जेल में जाके ध्यान मैंने सिखाया है 2 साल, तो मैक्सिमम टाइम वहां से आने के बाद मैं स्नान कर लेता, तो थोड़ा सा एक फ्रेशनेस हो जाता है. वाटर एनर्जी को डिसॉल्व कर लेता है, तो आपके ऑरा में, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड में जो ऐसे लोअर वाइब्रेशन एनर्जी अगर जुड़ गई थोड़ी बहुत, तो स्नान करने से वो अपने आप निकल जाती है. बहुत बार हीलिंग के प्रोसेस में ऐसा चीज कराई जाती है कि अगर जब हीलिंग हो रही है, रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, एनर्जी हीलिंग है, देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स. रेकी थोड़ा पॉपुलर है, प्राणिक हीलिंग थोड़ा पॉपुलर है, लेकिन इस तरह के 5-10 हीलिंग मेथड्स हैं. तो बहुतों में ऐसा आता है कि अगर फिजिकल रूप से अगर उस समय पॉसिबल नहीं है, तो इमेजिनेशन के माध्यम से भी हम थोड़ी एनर्जी को थोड़ा डिजॉल्व कर सकते हैं. तो कभी झरने में नहाया हो, प्राकृतिक, देखिए प्रकृति से जुड़ना बहुत अच्छा मेथड है अपने आप को हील करने का. तो कभी प्राकृतिक झरने में अगर नहाया हो तो इसको विजुलाइज कर सकते हैं. जब कभी ऐसा हम हो जाए कि किसी पर्सन से मिलने के बाद, किसी जगह से आने के बाद या पहुंचने के बाद वहां पे हम डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, एनर्जी फील नहीं हो, अच्छी हो रही है, तो उस समय अपने आप को थोड़ा सा 5-10 मिनट, थोड़ी देर अपने आप को ऐसा विजुलाइज करके वाटर में नहाते हुए अपने आप को कल्पना कर लेने से, और उसमें ये भाव
कि जो अनवांटेड एनर्जी है वो धुलकर चली जा रही है। तो हम अपना जो हमारा जो एक छोटा वर्ल्ड है, हमारा जो एक छोटी दुनिया है, हमारा जो शरीर का छोटा सा एनर्जी फील्ड है, उसको थोड़ा सा हम क्लीन और प्योर कर सकते हैं। ये एक सामान्य तरीका है जो हमें यूज कर लेना चाहिए जब तक हम अहम ब्रह्माष्टमि और शिवोहम तक नहीं पहुंच गए। जब उस लेवल तक पहुंच गए फिर तो सब तरह दिव्य ही है, जिसको छुएंगे वो दिव्य बन जाएगा, जिसको हाथ लगाएंगे वो लाइट बन जाएगा। सुशीला जी ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिखा है, वेरी गुड सुशीला जी। अगर इस एक्सपीरियंस को आप बोलना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और इस बात को बोलकर बता दीजिए कि आपने क्या देखा। ये दिस इज अ गुड एक्सपीरियंस। चलिए आप लगता है यहाँ पर नहीं है या फिर नहीं कर पा रही अपने आप को। हेलो जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मुझे एक चीज पूछनी थी। जैसे जिसको हम बोलते हैं गट फीलिंग, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है ना, वो हमेशा नेगेटिव चीजों के लिए क्यों होती है? नेगेटिव एक्सपीरियंस होने से पहले ही क्यों होती है? आपको सावधान, कुछ भी बुरा, आपको सावधान करने के लिए है। और अगर आप साधना में थोड़े से अवेयर बनेंगे तो पॉजिटिव चीजों के प्रति भी होगा, आपको एहसास होगा कि हाँ कुछ आज दिव्य घटने वाला है। अगर आप पढ़ेंगे अच्छी किताबों को, बुद्ध का जन्म हुआ तो हिमालय से उतर के एक योगी आया कि एक दिव्य चेतना आई है। तो फिर हमें पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव हैपनिंग के प्रति भी पता चलता है, पता चलेगा। लेकिन अगर नेगेटिवली पता चल रहा है तो हमको वो सावधान करने के लिए है डिवाइन की तरफ से मैकेनिज्म। मतलब इवन किसी का भी कुछ होना होता है, मतलब फील होना तो अलग की बात, जागते जागते वो चीज दिख जाती है। ये हो रहा है मेरे साथ मेरे फादर की डेथ से पहले, जब मैं 19 साल की थी, तो मैं इस वजह से फियर क्रिएट हो जाते हैं। मैंने अपने आप को जैसे बोलते हैं ना ककून में बंद कर लेना, हर चीज से डर लगने लग जाता है। ड्राइव नहीं कर सकती, गाड़ी में आगे नहीं बैठ सकती, जो एक्सीडेंट इवन रोड पे होना होता है, घर में तैयार अगर होने लगो वो चीज पहले विजुलाइज हो जाती है कि ये होगा एज सच। क्या है, उस वजह से मैंने अपनी मतलब एक्टिविटीज भी बहुत लिमिटेड कर रखी है। नहीं, एक्टिविटी कम करने की बात नहीं है, वहां पर आपको समझना है कि आपको एहसास हो रहा है तो उस समय हम अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कैसे करें, अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर पाना। रेकी में बहुत सारे मेथड्स हैं, विजुलाइजेशन के मेथड हैं। सिंपल आप व्हाइट लाइट को विजुलाइज करेंगे तो आपकी एनर्जी और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो थोड़ा सा मेडिटेशन में थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा विजुलाइजेशन थोड़ा ज्यादा करेंगे, थोड़ा प्रे ज्यादा करेंगे, तो फिर आप उन एक्सपीरियंसेस को बेहतर डील कर पाएंगे। ये एक्सपीरियंस से भागना नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा कम कर सकते हैं, थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। फिर तो जिंदगी, आप जिंदगी क्यों जी रहे हैं? जिंदगी आप अनुभव लेने के लिए, सीखने के लिए तो ले रहे हैं ना। डिफिकल्ट फेज से हम गुजरते हैं तभी हम सीखते हैं। तो लाइफ में जहां पे हमको ऐसा गट फीलिंग आए कि इसको कम करना चाहिए तो उसे थोड़ा बचिए, ठीक है, थोड़ा बचना भी है, अपने आप को बहुत ज्यादा डेंजर में नहीं डालना है, डिस्कम्फर्ट में नहीं डालना है। लेकिन धीरे, किन की तरफ से ये आवाज आ रही है वो बंद कर लीजिए अपना माइक। तो गट फीलिंग को सुनना है, फॉलो करना है, लेकिन सिर्फ सुनना नहीं है, क्या हमें अपने जीने के तरीके में, अपने बिहेवियर मॉडिफिकेशन लाना है, इस पर चिंतन करें, इस पर फोकस करें। पता चल जाना एक बात, उस पता चलने के अनुसार अपने स्ट्रेटजी में मॉडिफिकेशन लाना दूसरी बात। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। सुमन सवाल पूछ रही है, हाउ टू ग्रो मोर, अपने आप को बोलकर बात कीजिए। अरे
इस सोल लेसन हम सीख रहे हैं ये ग्रोथ नहीं है। ग्रीडी ग्रीडी मत बनिए यंग सोल जैसा। यंग ग्रीड इज द फीचर ऑफ यंग सोल। जो मिल रहा है उसके अलावा और चाहना। अरे जो मिल रहा है, जो खाने को मिल रहा है वो अच्छे से हम पचा ले, वो हमें लग जाए। जो जितना खाने को मिला वो नहीं मिले थाली में और कैसे आ जाए। ज्यादा थाली में आ भी जाएगा तो आप क्या खा पाओगे, खा भी लोगे तो अपच हो जाएगा। जितना सोल लेसन सीखा, सुना सीखा, इसको इम्बाइब कीजिए, इसको अपनी रोम रोम में सहेजिए, इसको पल पल में जीना सीखिए। ज्यादा आएगा लेकिन अब यही नहीं है तो फिर अब आगे फिर कैसे आएगा। ये बातें कॉमन, बहुत सारी बातें कॉमन होंगी। आपका क्या सोल लेसन है सुमन? ठीक है, चैप्टर सिक्स पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात। उसको उसमें से, उस चैप्टर में से हाईलाइट कीजिएगा दो चार मुख्य बातें। सबसे मुख्य बातें आपको क्या लगी, वो पांच तीन तीन हाईलाइट या पांच हाईलाइट आप मुझको भेजिएगा, जो आपको उसमें पढ़ने के बाद सबसे अच्छी लगी। कॉन्टम्पलेशन बढ़ाना है, पढ़ना ठीक है, पढ़ने के साथ साथ कॉन्टम्पलेशन बढ़ाना है, चिंतन। हम चिंता ना करें, चिंतन करें। चिंतन करना सीख लेंगे, जीवन से चिंता चली जाएगी। ठीक है, तो अब सर यहाँ, नमस्कार नमस्कार, मुझे भी पूछना था कुछ सर। ये जैसे आपने बोला आम ब्रह्मास्मि, तो ये सब लेस यहाँ इस तक पहुंचने के लिए क्या 300 लेसन पूरे होना जरूरी नहीं है? नहीं नहीं, आप देखिए ये बाईपास भी हो सकता है। अगर आपकी साधना बहुत प्रखर हो, बहुत डीप हो, अगर डेडिकेशन आपका सिंसियर है तो बाईपास भी हो जाएगा। सर डेडिकेशन की बात आई तो कल मुझे ऐसा लगा था सुबह ब्रश करते समय कि जल्दी मत कर, ठहर ठहर जा। ठीक है, वो अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है। आपके भीतर पेशेंस आ गया है, जल्दबाजी नहीं कर रहे। बोला कल, बोला रामकृष्ण परमहंस पढ़ने को, पढ़ के एकदम समझ में आ गया मुझे क्यों बोला ये पढ़ने के। वो मेरा लेसन मुझे समझ में आ गया, तब से अच्छा फील कर रही हूँ। जो जल्दबाजी थी मेरे अंदर, वैसे मुझे लगता है पेशेंस है, कोई कितना मुझे दुख दे, कुछ भी खाने को दे, कुछ भी पहनने को, तो मैं आराम से ले लेती हूँ। लेकिन खाली उतने में नहीं, मुझे लगता है ऑल ओवर सब जगह पेशेंस आना चाहिए। ऐसा है ना, पूरी तरीके से परिपक्वता एक चीज बनी आ गई तो हमें आगे नहीं जाना, या चल रहा है साथ साथ काम चल रहा है, बट अभी एक को मैच्योर करना है। बहुत अच्छा किया आपने मुझे दिया वो चैप्टर, फॉर मतलब समर्पण का था वो। थैंक यू। और ये बुक जो आपने बताई थी सोल, अभी चैप्टर सिक्स पढ़ने के लिए सोल प्लानिंग था वो, सोल्स गिफ्ट, योर सोल्स गिफ्ट। ठीक है, वो पढ़ना अच्छा है आप कह रहे हैं। हाँ, बहुत जरूरी है। ठीक है सर, रिलेशनशिप बहुत कॉमन मैटर है, इश्यू है सबके लिए, मैक्सिमम के लिए। परिवार में नहीं बनता किसी से, स्पाउस से किसी का नहीं बनता, किसी का बच्चे से नहीं बनता, किसी का पेरेंट से नहीं बनता, वो सब क्लियर हो जाएगा इसमें। लेकिन ऐसा कभी रहा हो नहीं बनता, बट अब सरेंडर है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो भी पढ़ लीजिए, दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। आपने बोल दिया तो यू आर माई गुरु, जो कह दिया सो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए कुछ, वो तो मुझे पढ़ना ही है सर। लेकिन फिर अब जैसे मन में शांति आ गई सब रिलेशन से, तो वो मैंने कहीं छुपा ली है या उन्हें जीत लिया है, क्या है ये मतलब? जीत लिया, जीत लिया, हमें जरूरत नहीं है अब ज्यादा उसके बारे में जानने का। जो जैसा उसको वैसे ही रहने दो, ये मेरा सोल लेसन है, मतलब उनका नहीं था, मुझे ही सीखना है ये मतलब। कहीं कहीं भी रिलेशनशिप पे जहां पे कंफ्लिक्ट आता है, जहां भी खटपट होता है, जो व्यक्ति परेशान है इमोशनली, जो व्यक्ति डिस्टर्ब्ड है, जो व्यक्ति बोल रहा है उसको सीखना है। कोई दारू पी के आकर घर में बवाल कर रहा है, अब वो दारू पी के आ रहा है वो ठीक है, वो अभी बेबी सोल है, तो वो तो अपने गति से सीखेगा। हम अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हमें सीखना है।
हम कैसे उसको इग्नोर कर सके, कैसे उस टाइम पे अपने आप को दूर कर सके, जब वो नॉर्मल है तो कैसे उसको ठीक से बात कर सके, कैसे उसको समझा सके, वो हमें सीखना। इन सब घटनाओं के बारे में भी एक चिंतन, ये सब चिंतन ही हो गया ना, कैसे क्या करना है ना। फिर उसके ऊपर की भी स्थिति होगी तो शायद कि ये सब भी क्वेश्चन ना उठे, छोड़ो सरेंडर। तो ये पहले पहले ये भगौड़ी वाली स्थिति आई है या भागने वाली स्थिति है, क्या है? देखिए, समझ कर समर्पण हो तो ज्यादा अच्छा है। समर्पण खैर कभी कभी भी आ जाए तो अच्छी बात है, बड़ी बात है, लेकिन समझ कर समर्पण हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है सर, ठीक है। याद रखिएगा रामायण की कहानी, हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र का तोड़ पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो सरेंडर, सरेंडर तो ठीक है, सरेंडर से तो अच्छा है, हम निकल जाएंगे आगे, ये समझ कर निकले। और प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ मैं अर्चना बोल रही हूँ। ओम साईं राम जी। सर मुझे भी कुछ पूछना था। कल एक्चुअली मैं पीछे का आपका एक क्लास कर रही थी यूट्यूब पे, वो मतलब उच्च आत्मा के बारे में था। तो मैं उस समय क्लास जैसे जो कर रही थी यूट्यूब से, तो मैंने मेडिटेशन में मतलब शुरू में तो बैठे, तो मेडिटेशन के दौरान ना मुझे एक चीज दिखाई दी, एक एक्सपीरियंस हुआ कि आज से 3 साल पहले एक फैमिली मतलब हमारे पड़ोस में रहते थे, बीटा में मैं रहती थी, यही ग्रेटर नोएडा में। तो उनको ना मतलब ब्रेन ट्यूमर था, तो ब्रेन ट्यूमर के बाद क्या हुआ कि उन पैरालाइज्ड हो गए और इस कंडीशन तक आ गए कि वो चलना फिरना खुद से खाना सब कुछ उनका बंद हो गया। तो उनकी वाइफ उनसे परेशान रहती थी और मतलब उनको नहीं, तो वो ना जब दुखी होते थे तो वो मुझे कॉल करते थे कि आप ना मेरी वाइफ को समझाओ। तो मैंने बोला कि ऐसे तो थोड़ा मैं संकोच भी करती थी कि मैं उनको कैसे बोल सकती हूँ, इनका फैमिली मैटर है, कहीं उनको बुरा लग गया तो वो मुझे भी वो करेंगी। तो फिर ना धीरे धीरे मैंने ना डिस्टेंस उनसे बनाया, मतलब उनके घर नहीं जाती थी, जैसे उन्होंने फोन पर जब भी बोला तो मैंने उनको प्यार से ही समझाया। मैंने कहा प्लीज आप थोड़ा उनका केयर किया करो, बहुत अच्छे इंसान है, अगर कोई परेशानी में है तो हम उसको छोड़ नहीं सकते, वो आपके हस्बैंड है, तो इस तरह से आपको उनको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन उनको ये बात शायद ना मेरी अच्छी नहीं लगी, तो उनको शायद मन में ये फील हुआ कि उनके हस्बैंड ने मुझसे कुछ बोला होगा, तभी उन्होंने मैंने उनको ऐसा बोला है। तो वो बोली कि ये मेरा शिकायत करते हैं सबसे, तो मतलब उनको नहीं अच्छा लगता था हमारा उनके यहाँ आना। फिर मैंने उनको बंद कर दिया, जाना मैं बिल्कुल ही छोड़ दी। एक बार वो बहुत ही बीमार थे तो मेरे हस्बैंड को फोन किए रो रो करके कि ये मुझे मार देना चाहती है और ये मुझे मार डालेगी, लेकिन प्लीज आप मेरा हेल्प करो। लेकिन हम लोग को उस समय इतना समझ नहीं था और ना हमने उन और मतलब हम भी डर रहे थे थोड़ा, तो नहीं गए, नहीं बोले। ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर उनको सदगति दो, सदबुद्धि दो, उनकी वाइफ को भी दो, ताकि उनका जो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ठीक हो जाए। लेकिन उसके आगे इतना कुछ समझ नहीं था तो मैंने ना उनसे डिस्टेंस मेंटेन किया। तो कल ये चीज मेरे को ध्यान में आ गया, मैंने उनको देखा, उनकी वाइफ को देखा। ऐसा क्यों हुआ सर? यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं, जिन जगह से गुजर रहे हैं, कनेक्शन उस सोल से तो है, तभी याद आया। अपने आप याद कुछ नहीं आता है। यस सर, वो तो है, वो बात बिल्कुल क्लियर है। तो उस मेल पर्सन में एडवांस सोल बनने की अच्छी संभावना होगी, ऐसा हो सकता है। अच्छा ठीक है, या और कुछ का हो सकता है। याद आया है तो फिर से उनको फोन कर लीजिए या कर सकते हैं तो। नहीं अगर... वो सर अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, मैं उनके वाइफ हैं। अच्छा, और उनकी अच्छा। एक बच्ची है। तो मैंने लेकिन उनके जाने के बाद ना हम लोग का मन भी दुखी हो गया, तो फिर मैं बोली उन्होंने उनका केयर नहीं किया। ठीक है मैं मानती हूँ हस्बैंड थे वो, जो भी चीज था, लेकिन उनको उनका केयर करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, तो फिर मैंने उनसे डिस्टेंस बना लिया, क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लगा ये चीज। डिस्टेंस बनाना ना स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। तो ठीक है, फॉर द टेम्पररी इट्स ओके, क्योंकि हम अपने आप को तकलीफ ना दें, लेकिन ना हमें सबके लिए प्रे करना चाहिए, सबको हेल्प करना चाहिए।
उनको ना आप कोई कोई अच्छा स्पिरिचुअल भजन या कोई स्पिरिचुअल अच्छा चीज या कोटेशन आप उनको एक पहले भेजिए और फिर कल उनसे फिर बात करने की कोशिश कीजिए। अच्छा कैजुअल। हाँ एक्चुअली डायरेक्ट। हाँ एक्चुअली सर क्या था ना कि मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मेरा आना उनको, क्योंकि वो ना किसी को फिर पसंद नहीं करती थी घर में आने देना, क्योंकि उनको ना उन्होंने एक कमरे में बंद करके रख दिया था कि ये लोगों से ना मिले जुले, और हम जब जाते थे तो वो चाहते थे कि हम इनसे मिले, और ये नहीं चाहती थी, हमें दूसरे कमरे में ले जाती थी, बोलती थी नहीं उनके पास क्या बैठना, वो तो ऐसे बेकार की बातें करते हैं, तो हम मतलब मेरे हम दोनों हस्बैंड वाइफ को वहाँ बैठने भी नहीं देते थे वो। तो फिर मैंने सोचा हो सकता है इनको हमारा आना अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन जब वो एक्सपायर हो गए, मतलब मन ही मन उनके लिए प्रेयर तो करती थी, एक बार दीदी से भी मैंने शेयर किया था इस बात को कि वो काफ़ी बेचैन है परेशान है, तो मतलब बातें हुई थी, मतलब हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी, लेकिन एक टाइम के बाद मैंने जाना छोड़ दिया, तो मुझे लगता है कि क्या ऐसा करना मेरा सही था या गलत था, क्या था? देखिए जो बात गुजर गई Yes. उसके लिए तो कभी सोचना नहीं चाहिए कि अच्छा था कि बुरा था, अच्छा हाँ, है हाँ. अच्छा ही था, जो होता अच्छा ही होता है। Yes, sir. एक बात तो ये सोचनी है, और दूसरी बात कि हमें सबको तो हेल्प करना चाहिए सबके लिए, अगर हम हाँ. फिजिकल हेल्प नहीं कर पाते हैं तो प्रे करना चाहिए। Yes, sir. और अगर थोड़ा बहुत एनर्जी भेज सकते हैं, थोड़ा एनर्जी दान दे सकते हैं, थोड़ा एनर्जी विजुलाइज करना चाहिए, क्योंकि रेकी प्राणिक हीलिंग कोई बहुत बड़ा बड़ी चीज नहीं है। जो एनर्जी हमारे भीतर मेडिटेशन में हमारे भीतर आती है वो हम प्रार्थना से संकल्प से भाव से दूसरों में भेज दें थोड़ी। यस सर। तो जिनके लिए हम थोड़े कंसर्न होते हैं, हम कंसर्न हो रहे हैं क्योंकि उनकी कार्मिक कनेक्शन है, तभी कंसर्न हो रहे हैं। अच्छा। तो थोड़ा सा प्रेयर, थोड़ा सा एनर्जी हमें सेंड करना चाहिए। अच्छा मतलब मैं उनके लिए फिर से एक बार प्रेयर करूं दोनों लोगों के लिए? खैर वो सर तो अब नहीं रहे, मैडम है तो, नहीं, तो भी सोल के लिए प्रेयर की, अच्छा हाँ कल मुझे ऐसा लगा तो मैंने ना प्रेयर किया है मैं कि भगवान मेरे मन में आया ये बात ईश्वर उनके लिए मैं आज भी मतलब आपसे प्रार्थना करती हूँ जहाँ भी है उनको मन शांति देना और उनकी वाइफ को भी देना, अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो वो भी ईश्वर अपनी तरफ से उनको प्रदान करे, तो ये मैंने कल किया, लेकिन फिर मैंने सोचा एक बार सर से आपसे भी पूछ लूँ। डिपार्टेड सोल के लिए ना प्रे ऐसा करना चाहिए कि ये आगे अपनी अपनी जर्नी में आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके वैसे तो सबके लिए सबको आगे बढ़ना है, डिपार्टेड मतलब जो है वो मुक्त हो, अगर अगर उनका अगर उनका अगर ऐसा होगा कि वो अटैचमेंट किसी अटैचमेंट से धरती पर रुके हुए हो, बहुत सारी फिजिकल बॉडी जो छोड़ चुके हैं ना, अगर किन्हीं से किसी उनकी प्रॉपर्टी से किसी पर्सन से, चाहे प्रेम वाला रुकावट हो या नफरत वाला रुकावट हो, दोनों ही रुकावट बांध देता है, रोक देता है, तो लिबरेशन जरूरी है, तब फिर जन्म पुनर्जन्म हो सकता है। अच्छा अच्छा तो वो मुक्ति का हम प्रे कर सकते हैं, उनके ऊपर व्हाइट लाइट विजुलाइज कर सकते हैं, सफेद दिव्य प्रकाश, तो उससे उनको हेल्प होता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, प्रणाम सर। प्रणाम। मृदुला जी आपका कोई सवाल है? व्हाट्सएप पे आपने कुछ कुछ पूछा हुआ था, जवाब नहीं हो पाया ठीक से, पूछना है क्या? चलिए नहीं पूछना तो फिर सर दो लोग सॉरी सर सर अगर जैसे किसी की कर्मा है बहुत ज्यादा कोई परेशान है हम उसको हेल्प कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है आपके क्या एक लिमिट तक करो उसके, अगर वो नहीं ले रहा या एक्सेप्ट कर तो उसको छोड़ दो, क्योंकि ज्यादा कर्मा में मुझे नहीं आना, क्या पता ईश्वर को कुछ लेसन ही देना चाह रहा हो, मैं उसको खींच के वापस ले आ रही हूँ। बिल्कुल सही, नहीं खींच के तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने मतलब आप को दुखों से दूर कर दिया, हम अपने आप को ज्यादा ट्रबल क्यों दें, हम अपना टाइम उतना इन्वेस्ट क्यों करें, अपना टाइम अपने अपने लिए इन्वेस्ट करें ना। यहाँ पर ये निभाव था मेरा, ये क्वेश्चन था कि मतलब अगर हम जैसे किसी ने कोई बहुत भूख से परेशान है सबको या बहुत कष्ट चोट लगी हुई है उसको, तो मैंने दवाई ला के दे दिया फिर भी वो रो ही जा रहा है तड़फ रहा है, तो फिर मैं अब उसको उसको सहने के लिए मुझे छोड़ देना चाहिए कि तुम अब अपना सौ मैंने जो करना था कर दिया, कुछ कर्म तुम्हारे भी है ताकि जो ईश्वर तुम्हें दे रहा है तुम इससे लेसन सीख लो कुछ, क्या शायद इसलिए ऐसा सोच रही हूँ मैं, ऐसा करना चाहिए क्या? ये जब तक वो करा रहा है मैं उसके साथ रहूं, या धन की प्रॉब्लम है जब तक सॉल्व नहीं होती मैं उसके साथ रहूं? देखिए हर एक को ना हर एक को अपने पैरों पे खड़ा होना है, आत्मनिर्भर होना है जी, अगर अगर वो आगे बढ़ रहा है, अगर आत्मनिर्भर हो रहा है तो आपका होना वास्तव में पूरा फायदेमंद है, थोड़ा थोड़ा उसको अगर वो आगे बढ़ रहा है तो साथ बने रहिए, अगर वो आगे नहीं बढ़ रहा तो फिर आपके माध्यम से हेल्प नहीं होने वाला उसको,
तो उसे छोड़ना छोड़ना भी पड़ता है, छोड़ देना होता है। मतलब थोड़ा सा कर लिया, जितना जरूरत है कर लिया, या जितना शांति से धैर्य के साथ मैं कर पा रही हूँ कर लिया प्रेम पूर्वक, उसके बहुत ज्यादा यहाँ से उसके लिए ई नहीं करूँ, रो नहीं, मतलब ये पूछना चाह रही हूँ, ये पूछना चाह रही हूँ एकदम सही बस। थैंक यू सर, यही पूछना था।